हमसे पुकार पुकार करके पूछती है, और तुम लोग ओ धोखेबाजों और फरेब करने वालों, ये जश्न कैसा, ये रक्सो सुरूद कैसा, ये मेला ठेला कैसा, ये चरागा कैसी, ये नाच गाना कैसा, ये ढोल ढपड़ा कैसा, किस चीज पर तुम अमादा हो, किस चीज पे नाच करते हो। हमने तो सुना था तुम सब कुछ कुरान के लिए कर रहे हो, मगर तुमने कुरान करीम को तो मुर्दों के लिए उठा के रख दिया। लाखों मरने वालों की रूहें, लाखों शहीदों की रूहें आज तुमसे पूछती है, हजारों माँ बहनों की रूहें आज तुमसे पूछती है, हजारों मासूम बच्चों की जिनको नेजों की नेजे की नोक पे लटका कर पटक पटक के जमीन में मार दिया गया। मशरकी पंजाब में 2.5-3 लाख से ज्यादा मस्जिद है जिनमें कुरान पढ़ा जाया करता था, आज जाके देखो गधे पेशाब कर रहे हैं, खंजीर बंधे खड़े हैं, गोबर पाथी पक रहे हैं, चारों तरफ से बेहद भी हो रही है। वो कई लाख मस्जिदों के मीनारे तुमसे आज के दिन पूछते हैं, ओ मुसलमानों ये तुमने क्या किया। दरियाए जमुना का पानी तुमसे सवाल करता है, और मुझसे वुजू करने वाले मुजाहिदीन कभी यूं नहीं किया करते हैं, जैसा कि तुमने अपनी रविश को बना रखा है। और फिर वैसे भी एक घर में मैयत पड़ी हो और दूसरे घर में शादी हो और वह बाजा बजाए, तो इलाके के लोग यूं कहेंगे ये बड़े संगदिल हैं, ये बड़े पत्थर दिल हैं, ये बड़े अहमक लोग हैं, बराबर में मौत है, बराबर में कर्जिया है, बराबर में फौतगी है, और ये नाच रहे हैं। तुम्हें क्या मालूम फलस्तीन के मुसलमान के साथ क्या बन गई। तुम आज मेले ठेले का चक्कर बनाते फिरते हो, जाओ फलस्तीनियों के प्यास से मरने वाले बच्चों से जाके पूछो। इसराइली यहूदी बदमाश किसी तरह से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसा गुजर गया, पानी बंद कर रखा है, बिजली बंद कर रखी है, परेशान है मुसलमान, खुदा का नाम लेने वाले लोग परेशान है। फलस्तीन में मुसलमान कट गया, अफगानिस्तान में मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं, ईरान इराक में मुसलमान कट रहे हैं ज़िबा हो रहे हैं, श्रीलंका जैसा मुल्क भूत मजहब रहने वाले लोग जो कीड़ी को मारना भी बुरा जानते हैं मगर मुसलमान को काट रहे हैं, चारों तरफ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, चारों तरफ मुसलमान कट रहा है, चारों तरफ मुसलमान मर्द औरत कट रहे हैं, ज़िबा हो रही है, और हम बीच में खड़े होकर के नाचेंगे। खेल तमाशा इस कौम का मिजाज ना बनाओ, तमाशा देखने वालों तमाशा खुद ना बन जाना। इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जब कोई कौम खेल तमाशे में फंस जाती है, जब कोई कौम गाना बजाना अपनी जिंदगी का महवर बना लेती है, फिर उस कौम को जमीन पे बसने का हक नहीं रहता, वो कौम जमीन में धस जानी चाहिए। एक मर रहा है और एक रंगरेलियां मना रहा है। रावलपिंडी शहरी, रावलपिंडी के शहरी लोग तंग, 26 फुट पानी शहर की गलियों से गुजर गए, कैंपों में लोग पड़े हैं, तंग है, मकानात बेशुमार मुरादी हो गए, और हम दो झंडी मुझे भी देना भाई, मैंने भी अपने सर पे लगानी है, झंडी तो लगानी है, कभी बॉर्डर पे जाके तो ललकार किसी को। उधर एटम बम बन रहे हैं, उधर मुसलमानों के गलों पे छुरे चल रहे हैं, हम रंग बिरंगी झंडियों के पीछे फिर रहे हैं। साल में 4 मौके बना दिए कौम को खिलाने के, तमाशा दिखाने के, कि तुम इसी धंधे में लगे रहो। 10 मुहर्रम का जुलूस निकाला करो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला करो, 23 मार्च का जुलूस निकाला करो, 14 अगस्त का जुलूस निकाला करो, साल में तुम्हारे लिए 4 दिन इंतखाब कर दिए ताकि तुम इसी धंधे में लगे रहो। खुदा बंदे आलम इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि अगर वो नाराज हो गया तो फिर इज्तमाई अदाब आएगा, कौमी अदाब ना आ जाए,
दिन तो है, इस्तगफार करने का दिन तो है, तौबा करने का दिन तो है, अल्लाह से मुल्क के लिए कौम के लिए दुआएं मांगने का दिन तो है, कुरान खानी के लिए दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ने का दिन है, अल्लाह अल्लाह करने का दिन है। चारों तरफ यहूदो नसारा हिंदू काफर जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बना रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए, उनको मरने और उनके मलिया मेट के लिए दुआ करने का दिन तो है, खैरात करने का दिन तो है, अल्लाह अल्लाह करने का दिन तो है, नाच का नहीं, गाने का नहीं, ढोल ढपड़े का नहीं। तरक्की इसका नाम नहीं कि फला जगह ऊंटों की दौड़ हो गई, फला जगह घोड़ों की दौड़ हो गई, फला जगह लोगों की दौड़ हो गई और फला जगह छोकरों की दौड़ हो गई। तरक्की के और बड़े रास्ते कुछ करके दिखाओ। अल्लाह पाक जिल्ले शानू ने ऐलान कर दिया लोगों, काला सारब्बुकुम अय्युलिका दुअकुम वयस्तखलिफकुम फिल अर्ज فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ। اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے، شہنشاہوں ملک کے مالکوں تخت و تاج کے مالکوں یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا، کیوں؟ دربار الہی ہوگا۔ کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے، تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کئی آئے اور کئی چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات۔ اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے، کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خامخواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے، راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ سیدہ فرماتی ہیں ہماری اممہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی، میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے۔ اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے، نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا، قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا، اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے، اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ اکرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں فاروق اعظم، جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا۔ ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تہمت کو دیکھا، منجلے اور لنگی کو دیکھا، ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 پیوند 22 لاکھ مربع میل۔
का हुक्मरान, उसके डायमंड में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहां ऐब ही हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया, ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क ना हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहने कर। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो, वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता, पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा, हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है, इसका यह मतलब हुआ कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने कौन सही बात को बर्दाश्त करे? तो मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है, हां जी चलो मसला तो यूं है, पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है, इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे कहेगा? सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आजम ने फरमाया, आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है सहाबी, फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जब मुंह में डाला, कसम खाकर कहता है, बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया, मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानिशान का जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा, है फारूक, छने हुए आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे, अल्लाह की करोड़ रहमतें नाजिल हो इन अल्लाह वालों पर, फरमाया, भाई क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा, नहीं। फरमाने लगे, जब तक हर आदमी को न मिले फारूक, कौन होता है जो छने हुए आटे? नहीं, ये चारों सहाबा असरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा है, हुजूर के चहेते सहाबा है। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो, और इतना तंग, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो? इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जरूरत ना हुई, एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी है और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी, शायद बात बन जाए, यानी फायदा भी फारूक का हो, मतलब की बात भी फारूक आजम की हो, मगर कहने को कोई तैयार नहीं, इतना डर है कि ये अपने मतलब की भी नहीं सुनेगा। आजकल तो हमें बना के लाने पड़ते हैं कि पहले हमें कोई मौलाना कहने वाला मिले, फला साहब कहने वाला मिले, शाह साहब कहने वाला मिले, 7 चमचे ले जाने पड़ते हैं।
फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी लगते जिगर सैयद हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए गए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ कर दिया, अब्बा जान ये क्या हालत बना रखी है, या ये क्या परेशानी की हालत है, ये क्या तंगी की हालत है, आप कुछ वजीफा बढ़ा लें, आप कुछ अपना खर्चा बढ़ा लें, इसलिए कि मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए तैयार नहीं। अब तो कह देना चाहिए था कि भाई जो कुछ वो बढ़ाना चाहे बढ़ा दे, तंग तो मैं बाकी हूं। फरमाया ए हफ्सा तू उन लोगों के नाम बता जो तेरे पास फरमाइश करने आए थे, और फरमाया सबसे पहले ओ हफ्सा ओ मेरी लगते जिगर ए मेरी बेटी, तेरे सामने जिंदगी गुजरी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बता। हजरत हफ्सा कहने लगी, अब्बा जान मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पकाया करती थी, आटा सामने रखकर फूंक मार दिया करती थी, जितना घास उड़ गया उड़ गया, बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा रखा हुआ था, तेल खत्म हो चुका था, एक दिन मैंने नीचे की तिल छटी गाद निकाल कर रोटी के ऊपर चुपड़ दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाई, फरमाया हफ्सा आज रोटी बड़ी मजेदार लगी है। और फरमाने लगे तुम मलतुसअलुन्ना यौमाइदिन अनिन्नईम। फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए हफ्सा मेरे तेरे नबी ने मेरे तेरे महबूब ने दुनिया में ये खाना खाया हो, और मैं उनसे अलग खाना तलाश करूं, मेरी उनकी मुलाकात कैसे होगी। और फरमाया ए हफ्सा बिस्तर बता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमाने लगी एक टाट की लंबी सारी चादर बुनी हुई थी, सुबह गर्मी में उसको चार तह करके बिछा लिया जाता था, सर्दियों में आधा नीचे आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। फारूक आदम रोने लगे, हफ्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रुखसत हो गए। और फिर आपने पूछा ए हफ्सा आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदल मुबारक पे लिबास कैसा था। वहां लिबास की हालत, खाने की हालत यह है, यहां बंगलों की गिनती नहीं, कोठियों की गिनती नहीं। और ये नहीं सोचते अगर अजाब आ गया तो ये बंगले ये कोठियां नहीं बता सकेंगी, ये रिश्वत बटोर बटोर करके महल बनाना ये तो कभी भी काम नहीं आए। लोगों के जहन को गंदा करने के लिए तरीकेकार बना रखे। खुदा की बात पुरुष से कौन पीछे रह सकता है, जब वो पकड़ता है फिर तौबा की मोहलत नहीं देता। फिरौन के सर में 400 साल तक दर्द कभी नहीं हुआ, नजला कभी नहीं हुआ। परमात्मा इदा कहुल करत जब आया ना दरिया के बीच में और लगा एक गोता और यूं ऊपर को आया, बड़ा बुजदिल था, कहने लगा अमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं रब्बुल आलमीन को मानता हूं, मैं बनी इसराइल के रब को मानता हूं। आवाज आई जिब्रील, इसके मुंह में गारा ठोस दे, या मुझे मानने लगा है जब मैंने पकड़ लिया, मेरी पकड़ के वक्त मानना ये तो मानना ना होगा। कोटे में कितना बड़ा अजाब आया, सैकड़ों आदमी मर गए, कितने लापता हो गए, चारों तरफ खलकत खुदा की परेशान है, बस एक ही आवाज आ रही है तैयारी करो, मकान चमकाओ, दुकान चमकाओ, बाजार चमकाओ, गंदा बेशक ना हो पर चमकाए रखो। तो जैसे औरतों में बीमारी नहीं फैल जाती, 80 साल की बुढ़िया सुर्खी लगा के चल देती है, चमक कारनामे की चमक पैदा करो, आमाल की चमक पैदा करो, ईमान की चमक पैदा करो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को चलाकर।